अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आरएल क्राफ्ट। हे टीएमसी आर्मी, दिस इज द होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल और आप सभी का एक बार फिर से और दिल से स्वागत है हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ आरएल क्राफ्ट के बारे में। ये स्टोरी एक एडवेंचरस स्टोरी रहने वाली है और मेरे ख्याल से ही यूट्यूब पर किसी और ने भी ये वाली स्टोरी बना रखी होगी, लेकिन तुम्हारा भाई खुल के बताने वाला है। तो इफ़ यू आर न्यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो पर कमेंट करके नहीं बताया वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो पर कमेंट्स करके ज़रूर बता देना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए यहाँ से बिना टाइम गवाए स्टोरी को कर लेते हैं हम लोग शुरू। और मेरे को न्यू आइडियाज़ देना किस किस गेम के ऊपर स्टोरीज में आप लेकर के आऊँ कमेंट्स करके, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये बात जबकि है जब एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों दोस्तों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी थी कि शायद कोई उन्हें तुड़वा नहीं सकता था। दोनों छोटे पे से एक दूसरे के साथ थे, लगभग 14-15 साल उन लोगों की उम्र थी और वो बचपन से साथ थे। जब वो 2-3 साल के थे, जब इकट्ठे थे, मतलब एक ही जगह पर रहते हैं और अब भी एक ही जगह पर ही रह रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना यार एक एडवेंचर किया जाए और कुछ जंगल में जाया जाए, घर वालों से अलग, अपने गांव से अलग, अपनी बस्ती से अलग, मतलब एक बार ट्राई मार के आए कि आखिर कैसा जंगल लोग व्यतीत करते हैं। और उन लोगों ने ऐसा ही किया। वो लोग गए जंगल में और दोनों के दोनों इतनी गहराई में चले गए थे जंगल में कि उन लोगों, मतलब वो लोग जो है रास्ता भूल चुके थे अपने घर जाने का, क्योंकि वो लोग उस जंगल में पहली बार आए थे। वो जंगल इतना, मतलब गहरा था ना, इतने घने घने पेड़ थे उस जंगल के अंदर कि वो लोग भटक चुके थे कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ। उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि भाई अब रात होने वाली है और अब हम घर नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग रात यहीं गुजारते हैं, बाकी हम लोग दिन में एक बार फिर से ट्राई मारेंगे घर अपना ढूंढने की। और गाइस, उस जंगल में इतने सारे जानवर थे कि उन लोगों का जो है बच पाना मुश्किल ही हो पाता। उन्होंने कैसे ना कैसे करके ज़मीन कुछ खोद के, पेड़ वेड़ को काट करके अपने लिए एक छोटा सा, मतलब झोपड़ी सी बनाई जिसमें वो लोग जंगल में रह सकें। और पत्थर के ज़रिए उन लोगों ने आग जला दी ताकि जंगली जानवर उनके पास नहीं आ सके। सामने बहुत गहरा समुंदर था और काफ़ी सारी शिप्स भी घूम रही थी, ऊपर काफ़ी सारे पक्षियां घूम रहे थे जिससे वजह से वो लोग सो भी नहीं पा रहे थे। और अब क्या होता है, अब वो दोनों के दोनों सो जाते हैं कैसे ना कैसे करके। और दोनों को इत्तेफाक से एक ही सपना आता है कि वो एक घने जंगल में है और बहुत बड़े बड़े जानवर, अजीबो गरीब जानवर उन लोगों को मार रहे हैं, उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग भाग रहे हैं, वो लोग शिप में हैं, वो लोग ड्रैगन से बिट रहे हैं, पेड़ उनके सामने चल रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं, अजीबो गरीब चीज़ें उन लोगों के सामने आने लग गई। दोनों एकदम से उठते हैं और उठ के भागना शुरू कर देते हैं आधी रात को ही। भागते भागते वो लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं और फाइनली उन लोगों को अपने घर का रास्ता मिल जाता है आधी अंधेरी रात में ही। उन लोगों की किस्मत उन लोगों का साथ दे जाती है और वो लोग अपने घर की तरफ वापस लौट जाते हैं। उनको गांव दिख जाता है और वो वापस लौट जाते हैं। वो लोग गांव वालों को अपनी कहानी बताते हैं और जब से उस जंगल का रास्ता उन लोगों ने बंद कर रखा है गांव वाले ने, ताकि कोई और बच्चा उस जंगल में ना भटक जाए। इसी स्टोरी को देख करके आरएल क्राफ्ट को मेनटेन किया गया है, इसी स्टोरी को देख के आरएल क्राफ्ट को बनाया गया है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी स्टोरी एंड आई थिंक आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट गाइस। बाय बाय।